तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि टेक्नोलॉजी उस समय पर ही होती थी, अब तो जो है बस हमें ऐसा लगता है कि जैसे अब हम ज़्यादा फास्ट हैं, तो ऐसे रास्ते पे चलने का भी एक अलग ही मज़ा है। बादल नीचे रह गए हैं, हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। स्कूटी बंद कर करके चला रहे हैं हम, तेल बचा रहे हैं थोड़ा सा। समुद्री तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुमाऊं के विशालतम ऊंचे मंदिरों में से एक और भारतवर्ष में कोणार्क सूर्य मंदिर के बाद सूर्य भगवान को समर्पित देश का सबसे बड़ा मंदिर, जिसको कटारमल सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की इस मानसिक यात्रा में आप दर्शन करेंगे लगभग 800 वर्ष पुराने प्राचीन सूर्य मंदिर के। दोस्तों अल्मोरा सीरीज का ये तीसरा व्लॉग होने वाला है। पहले दो व्लॉग जिसमें हम श्री जागेश्वर धाम और श्री गोलू देवता मंदिर गए थे, दोनों व्लॉग के लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो गाइज हो गए हैं नहा धोकर रेडी और अब जाने वाले हैं यहाँ से। पहले जाएंगे हम सूर्य मंदिर और अंकित भाई भी आज तैयार हो गए, आप देख सकते हैं शर्ट इनकी कितनी बेहतरीन लग रही है। दोस्तों आज है हमारा अल्मोरा में दूसरा दिन और पहाड़ों पर घूमने के लिए सबसे अच्छा साधन है कि आप यहाँ पर आएं और रेंट पर बाइक या स्कूटी ले लें, जिससे आप आसानी से सभी जगह घूम सकते हैं। गाइस ये जो है और... स्कूटी रेंट पर ली है, तो लेने से पहले इसकी वीडियो बनाना जरूरी है क्योंकि जो है जब हम शाम को इसको वापस करेंगे इसमें हेलमेट भी है, हमारी सेफ्टी रहेगी। तो गाइस आगे सुबह की चाय और अंकित भैया का आज है फास्ट, मंडे का इनका व्रत। सुबह का नाश्ता करने के बाद और स्कूटी में पेट्रोल डलाकर हम निकले सूर्यदेव मंदिर की ओर। जो है काफ़ी ऊपर आ गए हैं और आपको मैं यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ अल्मोड़ा शहर का। आप देखिए ये यहाँ पर बादल नीचे रह गए हैं, हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। थोड़ी सी समय की जो है हमारे पास शॉर्टेज है, इसलिए मैं आपको यहाँ का टाइम लैप्स नहीं दिखा सकता, नहीं तो यहाँ का टाइम लैप्स आपको बहुत बेहतरीन लगता क्योंकि उसे बनाने में काफ़ी टाइम लगता। ये हमारे अंकित भाई प्रकृति के नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं और अभी हम और ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से भी आपको नज़ारे आज के मैं दिखाऊंगा। तो गाइज ये रास्ता जा रहा है कटारमल गांव के लिए और हम जा रहे हैं बिल्कुल सामने जहाँ पर है सूर्य देव का मंदिर। अल्मोड़ा से लगभग 86 किलोमीटर दूर अधेली सुनार गांव में स्थित है कटारमल सूर्य देव मंदिर। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजवंश के शासक कटारमल द्वारा कराया गया था, इस कारण इस मंदिर का नाम कटारमल सूर्य देव मंदिर पड़ा। और ये मंदिर देखिए, सूर्य मंदिर कटारमल आपका स्वागत करता है। बस यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर हम पहुँचने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन में। के दर्शन करिए, जय हो, सूर्य देव के मंदिर जा रहे हैं और सूर्य देव ने अब दर्शन दे दिए। तो गाइस पहुंच गए हैं हम सूर्य मंदिर और यहीं पर हम अपनी स्कूटी को पार्क कर देते हैं क्योंकि यहां से ऊपर जाने का रास्ता पैदल का है। तो दोस्तों देखिए वहां है वो अल्मोड़ा और वहां से हम जो है इतना सारा रास्ता कवर करके, और आप देख सकते हैं कि वहां पर है अभी सन टेम्पल और यहां से ये रास्ता जा रहा है कच्चा, पैदल का रास्ता है ये
और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है सन टेम्पल। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर के आसपास होगा। और शांति देखिए आप यहाँ पर कितनी है, और बहुत ऊंचाई पर हैं हम इस टाइम। यहाँ पर काफ़ी सारी स्कूटी और बाइक खड़ी हुई हैं, यानी कि ये ऊपर गए होंगे वहाँ पर दर्शन के लिए। हम भी काफ़ी सुबह ही निकले थे घर से, वैसे तो अभी 8:30 बजे हैं, 8:30 बजे हम पहुँच गए हैं सूर्य मंदिर पर। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर 45 छोटे छोटे अलग अलग मंदिर हैं। तो गाइस अब हम जा रहे हैं पैदल चलते हुए यहाँ से सूर्यदेव मंदिर तक, और आप रास्ता देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे है ऊपर की तरफ को, और ये बिल्कुल कच्चा रास्ता ही है यहाँ से। तो ऐसे रास्ते पे चलने का भी एक अलग ही मजा है। अंकित भाई कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत ही उम्दा महसूस हो रहा है, इतनी ऊंचाई पर आके, इतनी पीक पर आके, और भगवान सूर्यदेव बैठे हैं। बस थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर आप चले तो आपका पैर स्लिप हो सकता है। दोस्तों बहुत ही केयर के साथ आना है, बहुत ही यहाँ शांति है, सकारात्मक ऊर्जा है, और अपना ध्यान रखिए आप। बारिश का समय है, पत्थर थोड़े से स्लिप भी हो रहे हैं। तो गाइज अभी तो सांस फूल गई ऊपर आके पहले, क्योंकि हम एकदम से खड़े रास्ते पे चढ़कर आए हैं, और अभी हम वहाँ थे नीचे, वहाँ से पैदल आ गए हैं ऊपर तक। तो दोस्तों बिल्कुल पास में ही आ गए हम मंदिर के, और मेरे सामने ही दिख रहा है मुझे, देखिए आप ऊपर मंदिर के बिल्कुल नज़दीक हैं, पहुंचने वाले हैं। तो गाइस प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के अंदर। जय सूर्यदेव। गाइज मंदिर के बारे में जो है यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं मंदिर में एंट्री करते ही लेफ्ट में, और इन पर लिखा हुआ है यहाँ के बारे में हिंदी इंग्लिश, और ये पूरे मंदिर का मैप है। ये जिन पर टी लिखा हुआ है ये सब जो है यहाँ पर टेंपल हैं इतने सारे। और इस मंदिर के अंदर जो है 45 छोटे छोटे अंदर मंदिर बने हुए हैं इस टाइप के, आप देख सकते हैं, जैसे आपने जागेश्वर धाम मंदिर में देखे थे वहाँ 125 थे, यहाँ पर 45 हैं। तो दोस्तों दर्शन करके आ गए हैं हम सूर्यदेव महाराज के, और मंदिर अंदर से काफ़ी प्राचीन है। और यहाँ पर जो सूर्यदेव महाराज की दो मूर्तियाँ हैं, एक मूर्ति है यहाँ पर बड़ के वृक्ष की, यानी कि लकड़ी की बनी हुई है, और उसी के आगे है एक मूर्ति जो यहाँ के राजा थे उन्होंने स्थापित कराई थी अब से 1100 साल पहले। तो काफ़ी जो है प्राचीन मंदिर है ये, और बहुत शांति है यहाँ पर, ज़्यादा पब्लिक है नहीं इस टाइम पर। वैसे यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं, पर अभी फ़िलहाल हम दो ही हैं यहाँ पर, और पंडित जी हैं अंदर। जो है मंदिर के अंदर की वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं आपको वो मूर्ति तो नहीं दिखा सकता, पर आप यहाँ पर ज़रूर आएँ एक बार, आपको आकर यहाँ पे काफ़ी अच्छा और सुकून वाली और शांति वाला माहौल है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और आप देख सकते हैं मंदिर के सामने ही हम बैठे हुए हैं, और ये जो छोटे छोटे मंदिर हैं इनके अंदर भी प्राचीन मूर्तियाँ स्थापित थीं, पर अब वो जो है खंडित हो गई हैं, तो इस वजह से वो इनके अंदर से हटा दी गई हैं और वो अंदर रखी हुई हैं।
क्योंकि वो मंदिर के अंदर खंडित हो गई थी मूर्तियाँ। अल्मोड़ा के अंदर ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर इसके बारे में मंदिर के वैसे काफ़ी कम लोगों को ही जानकारी है, पर जो यहाँ आते हैं वो रेगुलर, उनको इस मंदिर की मान्यता के बारे में पता होगा। अब देखिए बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र में बना हुआ है ये मंदिर, काफ़ी ऊंचाई पे है, काफ़ी ऊंचाई पे है। और आपको ये जो छोटे मंदिर हैं मैं इनके अंदर भी दिखा देता हूँ एक बार सारा अंदर से कैसे हैं ये। और ये जो मंदिर है बिल्कुल नागा शैली में बना हुआ है, जैसे कि जागेश्वर महाराज हम गए थे लास्ट व्लॉग में, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर उसका व्लॉग पड़ा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बिल्कुल उसी की ही तरह से ये बना हुआ मंदिर है। और वहाँ पर 125 मंदिर हैं छोटे छोटे, यहाँ पर 45 मंदिर हैं। आप अगर अल्मोड़ा आ रहे हैं उत्तराखंड में तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। आपको मैं दिखाता हूँ इनके अंदर से। देखिए गाइज इनके अंदर अब मूर्तियाँ नहीं हैं, पहले यहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित थीं, पर कुछ हैं जो अभी खंडित नहीं हुई हैं, जो खंडित हो गई हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। अब तो इस मंदिर की जो देखरेख का काम है और जो इस मंदिर को इसका रख रखाव जो होता है वो इंडिया का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अंदर आता है, वही यहाँ की देखरेख करते हैं। और ये है इसके पीछे ही मेन मंदिर है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये मंदिर है सामने, एक इधर की तरफ है, इसके आगे भी है। ये है इस मेन मंदिर ऊपर, और यहाँ पर आगे आप जाएंगे तो पहले हवन कुंड है और उसके पीछे की तरफ जो है मेन मूर्तियाँ स्थापित हैं सूर्य महाराज की। इतना प्राचीन मंदिर है ये कि यहाँ आकर एक अलग ही एनर्जी फील कर रहा हूँ मैं। और अंकित भाई तो हमारे बहुत देर से जो है यहाँ पर बैठ गए हैं, वो कुछ बोल नहीं पा रहे, मतलब इतना अच्छा लग रहा है उन्हें आके, वो बैठे हैं थोड़ा ध्यान कर रहे हैं। और अभी हमें आगे भी कहे काफ़ी सारी जगह जाना था आज, पर हमें अभी यहाँ इतना अच्छा लग रहा है कि हम अभी यहीं पर ही बहुत देर बिताने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों अगर आपको ये जगह अच्छी लग रही है तो आप इस जगह आ सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को यहाँ के बारे में पता चल सके और ऐसी शांति का आकर यहाँ पर हर कोई अनुभव कर सके। दोस्तों ये आ गए हम मंदिर के पीछे की तरफ, और इसके पीछे जो है बिल्कुल पहाड़ है, और ये ऐसे परिक्रमा मार्ग है मंदिर का। ये मेन मंदिर है यहाँ पर, और इसके चारों तरफ जो है अलग अलग जगह पे जिस तरह से यहाँ मंदिरों को स्थापित किया गया है, इनके पीछे भी कोई कारण रहा होगा कि कुछ मंदिर इधर हैं कुछ इधर हैं, तो इनको स्थापित करने के पीछे कुछ कारण रहा होगा, वो हमें नहीं पता, उसके बारे में जानकारी नहीं है। पर जब भी ये यहाँ पर बनाए गए होंगे तो कितनी मेहनत लगी होगी, इतने मोटे मोटे पत्थर हैं जिनसे ये मंदिर बनाया गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुछ जो है मंदिर की चोटी के पार्ट हैं जो ऊपर से मंदिर के टूटकर गिर गए हैं नीचे, क्योंकि काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये, तो ये यहीं पर ही रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इन पर भी कितनी जो है कलाकारी, कलाकृति और नक्काशी की गई है उस समय पर जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। वैसे कहा जाए तो टेक्नोलॉजी उस समय ही थी, अब तो जो है, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि टेक्नोलॉजी उस समय पर ही होती थी, अब तो जो है बस हमें ऐसा लगता है कि जैसे अब हम ज़्यादा फास्ट हैं, पर आप देख सकते हैं उस टाइम पर इतनी सारी चीज़ें नहीं होती थी, जैसे अब इतनी मशीनें आ गई हैं, पर उस समय पर भी इतनी, ये कितनी मेहनत लगी होगी इन सब चीज़ों को बनाने में। आजकल हर काम मशीन कर देती है, तो आप सोच सकते हैं कि कैसा रहा होगा वो समय। आप भी यहाँ ज़रूर आएँ, हाईली रिकमेंडेड है ये जगह। अब देखिए ये पत्थर हैं, इन पर आप हाथ लगा रहे हैं तो मतलब कुछ एक अलग ही फीलिंग है यहाँ पर आकर। अंकित भाई बताएं कैसा लग रहा। दोस्तों आप सभी से ये प्रार्थना है, गुजारिश है कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। एक तो ये जगह बहुत कम एक्सप्लोर है, इस
मंदिर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और ये मंदिर भारत का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है कोणार्क मंदिर के बाद। और जैसे कोणार्क मंदिर में वो सूर्य देव की किरण पड़ती है, पहली दो किरण पड़ती है, ऐसे ही यहाँ सुबह के टाइम बिल्कुल उनके माथे पर आदित्य, जो उनकी तस्वीर है, आदित्य सूर्य भगवान का ही दूसरा नाम है, उनके ऊपर बिल्कुल सीधी आती है वो जब मॉर्निंग का टाइम हो। और सूर्य साल में जो है दो ही बार ऐसा होता है। और जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से सब जगह फैले हुए हैं, सबको रोशनी दे रहे हैं, सबको ऊर्जा फील दे रहे हैं, सबको शक्तिशाली बना रहे हैं, ऐसे ही आपको आकर यहाँ पर भी लगेगा, हमें भी महसूस हो रही है उनकी एनर्जी, वही शक्ति। और ये विश्वास है, आप जरूर आएँ और यह वीडियो अपने दोस्तों, सगे संबंधियों, परिवारों को दिखाएं और उनके साथ भी देखें, और उनकी सभी के साथ आप यहाँ पर आएं, ज़्यादा से ज़्यादा देखें। और जो लोग इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में शांति चाहते हैं हमारी तरह, यहाँ जरूर आएं। इतनी पीस है, इतनी शांति है, इतनी सकारात्मकता यहाँ पर है, पॉजिटिव एनर्जी इतनी है कि आपके अंदर ना एक अलग ही रस आ जाएगा। सूर्य देव की बड़ी कृपा है, और महादेव तो हर जगह है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों, काफ़ी देर हो गई है हमें इस मंदिर में आए हुए, और काफ़ी अच्छा लगा हमें आकर। आपको भी अगर अच्छा लगा और ये वीडियो आपको ज़रा सी भी अगर पसंद आई, तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसी ही और वीडियो के लिए। दोस्तों, अब हम यहाँ से जा रहे हैं अपने अगले सफ़र पर, वो है श्री कछार देवी माता का मंदिर है यहाँ पर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, और बहुत फेमस मंदिर है। मैग्नेटिक फील्ड है, आप यहाँ से देख सकते हैं, वो ऊपर जो चोटी दिख रही है आपको, एक टावर दिख रहा है छोटा सा, बहुत इतना सा ही है, रेड सा वो जो है वहाँ पर एक टीन शेड दिख रहा है। तो हमें वहाँ जाना है अभी, और ये सारा रास्ता हमें कवर करना है, तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, वो मंदिर मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगा। तो गाइज, मिलते हैं जल्द ही आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो गाइज, अब निकल रहे हैं हम यहाँ से, मेरे पास आप रास्ता देख सकते हैं, रास्ता बहुत ही खराब है, रास्ता जो है थोड़ा सा धीरे धीरे आते हुए, पर जो है मंदिर में आकर आपको जो है ना, ये रास्ते को आप भूल जाएंगे, मंदिर में आकर इतनी शांति है यहाँ। सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, हाल फिलहाल में ऊपर तक बना देंगे वैसे ही ना कुछ दिनों में। और यहाँ पर ये कैंटीन खुली है, अगर थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हो आप, कुछ खाना हो तो खा सकते हैं। चलो बंद करें। ये देखिए कैक्टस है यहाँ पे, कितना बड़ा है। और वहाँ पर खड़ी है हमारी स्कूटी, वो सामने दिख रही है, और अभी हमें ऐसे जाना है नीचे, इधर से भी जा सकते हैं।